जेड टीवी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं ब्लैक डिलारी की ग्राम पंचायत सरकड़ा खाद में हम पहुंचे हुए हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल है। अस्पतालों की हालत हम दिखाना चाहते हैं, यानी कोरोना काल में भी अस्पतालों की हालत अभी नहीं सुधरी है, हम दिखाना चाहते हैं। कैमरा मैन जरा दिखाएं, ये अस्पताल है और जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये सरकड़ा खाद का अस्पताल है। जिस तरह से ये इसमें पशुओं का चारा वगैरह ये पड़ा है, ये आप देख सकते हो, समझे नहीं, ये चारा पड़ा है और कैमरा मैन जरा इधर दिखाएं और आप देख सकते हैं जिस तरह से इस पशुओं का चारा पड़ा है। ये स्वास्थ्य केंद्र अस्पतालों की हालत है। आखिर विभाग इसमें इतनी लापरवाही क्यों बरत रहा है? और हम दिखाते हैं ये किस कदर यहाँ पे देखो गंदगी नज़र आ रही है। ये अस्पताल है सरकड़ा खास का स्वास्थ्य केंद्र, सरकड़ा खास का अस्पताल है, किस कदर गंदगी वगैरह दिखाई दे रही है। और हम दिखाएंगे ये अस्पताल के अंदर कितनी लकड़ी पड़ी हुई है, आप देखिए ये लकड़ी भी पड़ी है और ये इधर चारपाई भी, और इधर ये चारपाई पड़ी है। ये अस्पतालों की हालत है। ये उप स्वास्थ्य केंद्र है सरकड़ा खास का, और हम दिखाना चाहते हैं कैमरा मैन अंदर आए किस तरह से ये गंदगी झंकूर पड़ा है और सारे मतलब कहने के बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। किसी कोई भी यहाँ पे कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग कोई भी नहीं आता है। ये स्वास्थ्य केंद्र अस्पतालों की हालत ये है, ये किवाड़ ये सब खराब हो चुके हैं और ये लकड़ी वगैरह सारी पड़ी हुई है, गंदगी है अस्पताल के अंदर, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अब सवाल ये है कि कोरोना काल में भी इन अस्पतालों की हालत नहीं सुधरी, यहाँ पे चारा वगैरह सब किस कदर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर बिश्नोई। अंकुर बिश्नोई जी, ये बताइए आपका जो स्वास्थ्य केंद्र है अस्पताल है, आपकी सुविधा के लिए बनाया गया था, क्या कहना चाहोगे? इसमें इतनी हालत खराब है, इसकी तमाम गंदगी वगैरह झाड़ियाँ इकट्ठी हो चुकी हैं, ये चारा वगैरह भी पशुओं का पड़ा है, क्या कहना चाहोगे? ये तो सरकारी धन का दुरुपयोग ही है, जैसे बना के ये छोड़ दिए हैं। अच्छा, कभी कोई डॉक्टर वगैरह आते हैं? हाँ, महीने में एक दो बार। अच्छा, इस तरह से इसकी हालत हमने अंदर से देखने को मिली है तो ऐसा लग रहा है कोई भी डॉक्टर जैसे कई वर्षों से यहाँ नहीं आया, तो किस तरह से डॉक्टर बैठते हैं आप देख सकते हैं जाकर के इसकी हालत क्या हो रही है? महीने में एक दो चक्कर तो लग जाता है महिला कर्मचारियों का। अच्छा, महिला कर्मचारियों का चक्कर लग जाता है। तो आप एक मिनट मेरे साथ आइए अंदर जरा, ये देखिए ये हालात इस तरह से है अस्पताल की। क्या कोई महिला यहाँ पे कोई बैठ सकती है? ये तो अभी ग्राम प्रधान का काम रह गया है, जब ग्राम प्रधान अभी जीत के नव निर्वाचित आए हैं तो ये तो उनका ही काम है ना। नहीं, अभी आप जो बता रहे थे कि यहाँ पे महिला आती है तो इतनी गंदगी है यहाँ पे और आप देख रहे हो सारी हालात, कैमरा मैन जरा दिखाएं सामने दिखाएं कैमरा मैन, तो जितनी हालात यहाँ कभी खराब है तो इस तरह से यहाँ पे कैसे महिला निकलते बढ़ते रहते हैं? तो एक दो बार हमने देखा तो उसी के सापेक्ष में बता रहे हैं हम तो। अच्छा, हमारे साथ फिर कुछ एक भाई और हैं हमारे साथ, ये भी सरकड़ा खास के सायद निवासी हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? आनंद बिश्नोई। आनंद बिश्नोई जी, बताइए किस जिस तरह की हालत देखने को मिल रही है, स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल है, आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, ठीक है नहीं, तो जिस तरह से हालात है तो क्या कहना चाहोगे उसमें? ये हालात तो यहाँ के कर्मचारियों की लापरवाही है और जी हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, सबसे मेन जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, सबसे पहले उनकी लापरवाही है। आप लापरवाही है मतलब स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है? हाँ। यदि कंटिन्यू अगर डॉक्टर यहाँ बैठते तो ये हालत नहीं होती। और जैसे कि कोविड-19 में आपको सभी को पता है हम सब रूल रेगुलेशन सब पालन कर रहे हैं और सरकार भी इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन यहाँ पे जो कर्मचारी हैं डॉक्टर अधिकारी वगैरह हैं वो इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ जी, तो ये है सरकड़ा बिश्नोई का अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र, ताकि सरकार ने इतने रुपए की धनराशि लगा करके इस अस्पताल को बना दिया, मगर ये एक बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और किस कदर गंदगी के अंबार हैं, समझे नहीं, कोई देख रेख नहीं है। ग्रामीणों से हमने बात करी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई आते नहीं, यदि कोई डॉक्टर यहाँ बैठता तो इसी हालत की ये दुर्दशा नहीं होती। जी भैया, क्या नाम है आपका? भैया बिश्नोई। भैया बिश्नोई जी, ये बताइए ये अस्पताल है आपकी सुविधा के लिए सरकार ने बनाया गया था और काफ़ी अच्छी लागत है इसमें लगाई गई थी, तो अब जो इसकी हालत है इस समय बदतर हालत हो गई है, तमाम गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? तो वैसे तो कायदे में ये एक तरह हॉस्पिटल है तो नियमित रूप से सफाई होनी चाहिए, ये तो गंदगी तो हॉस्पिटल में होनी ही चाहिए, ये होनी चाहिए है नहीं जी। तो अब जो तुम ये अब नए प्रधान बने हैं उनसे हम कहना चाहेंगे सफाई दिन प्रतिदिन सफाई हो, उसकी यहाँ के डॉक्टर बैठे हैं उसमें हमारा ही फायदा है
सरकार के फायदा सभी गांव वासियों का फायदा है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे कभी डॉक्टर कोई आकर बैठता है? तो ऐसा है, मैं रहता नहीं है खासा, नहीं इतना पता नहीं मुझे, लेकिन अच्छा इस हालात को देखकर, जैसे हालात हैं इस समय, गंदगी के अंबार नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कोई डॉक्टर बैठ सकता है? बैठता है तो सफाई होनी चाहिए, यानी ऐसा लग रहा है अगर कोई डॉक्टर यहाँ पे बैठता है, यदि बैठते तो साफ सफाई रखनी चाहिए, खुद के सेहत के लिए रखनी चाहिए। अच्छा क्या सरकार से क्या अपील करना चाहोगे ऐसे अस्पतालों के लिए? सरकार इतना पैसा लगाती है डेवलपमेंट के लिए, सरकार तो जनता के फायदे के लिए लगाती है, तो सरकार जो है जब इसके लिए इतना पैसा लगाती है तो उसके लिए एक पर्सन ऐसा रखे कि वो इन चीज़ों को देखें कि इसकी रोज़ नियमित सफाई हो और कर्मचारी रोज डेली यहाँ आए।